हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से जो सोशल मीडिया पर एक बाढ़ आई है दोस्तों, अपने देश के लिए तिरंगा लेकर के फोटो खिंचवाने की और वीडियोस बनाने की, दोस्तों मुझे लग रहा था कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमें दिमाग से ज़्यादा दिल से सोचने की ज़रूरत है कि हम एग्जैक्टली क्यों सिर्फ इंडिपेंडेंस डे को या क्यों सिर्फ हम रिपब्लिक डे को ये सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं, और बाकी दिन जो 363 दिन हमारे पास बचते हैं उसमें हम अपने देश के लिए कुछ बहुत ज़्यादा सोच ही नहीं पा रहे। मैं देश के सोचने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आप जिस भी काम को कर रहे हैं उस काम से आप 100% ईमानदारी के साथ देश को क्या सर्व कर सकते हैं, ये सोचने की ज़रूरत है दोस्तों। आप कितनी अच्छी सेल्फीज क्लिक कराएं हमारे नेशनल फ्लैग के साथ में, तिरंगे के साथ में, या आप कितनी अच्छी वीडियोस बनाएं, दैट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज द वर्ल्ड। चेंज हमें करना है दोस्तों, सेल्फीज, फोटोग्राफ्स, वीडियोस या बहुत पेट्रियोटिक सॉन्ग्स जो देशभक्ति के सॉन्ग्स हैं वो चेंज नहीं करने वाले दोस्तों इस देश को। देश को बदलने के लिए हमें सोच बदलनी है, और सोच हर एक व्यक्ति को बदलनी है। दुनिया ऐसी, समाज ऐसा, लोग ऐसे, देश के लोग समझते नहीं, इंडियंस ऐसे, वी ऑल आर इंडियंस एंड वी नो कि पूरी दुनिया के जितने भी डेवलप्ड देश हैं उन डेवलप्ड देश को डेवलप्ड बनाने के लिए हम इंडियंस ने अपना रोल प्ले किया है। लेकिन हम जब यहाँ काम करते तो सिर्फ एक थॉट अपने आप के अंदर वो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, जिस थॉट को क्रिएट करके हम इस देश को दुनिया के टॉप देशों के अंदर ला सकते हैं। दोस्तों मुझे लगता है कि मैं बहुत कम शब्दों में आपको मैक्सिमम मैसेज दे चुका हूँगा, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके अंदर थोड़ी सी एक वो भावना डेवलप होगी। और आज बहुत दो अच्छे फेस्टिवल्स, एक इंडिपेंडेंस डे और एक हमारी जन्माष्टमी, श्री कृष्ण भगवान जी का जो जन्म दिवस होता है, वो दोनों एक साथ हैं। तो सिर्फ आप लोगों को बहुत सारी विशेष दूंगा यहाँ पर कि इंडिपेंडेंस डे को सिर्फ 15 अगस्त तक ना रख करके पूरे 365 दिन हम उसे सेलिब्रेट करें, 365 दिन हम सोचें देश के लिए, और हम डेफिनेटली जिस भी इंडस्ट्री में हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं, उसके लिए ईमानदारी से काम करें। और जहाँ तक श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बात है, तो दोस्तों ये चीज़ पिछले कई सालों से हम सब फील कर रहे हैं कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा लैविश तो होता जा रहा है, लेकिन एक नीरसता बहुत बड़ी बीमारी के रूप में हमारे अंदर घर करती जा रही है, जिसकी वजह से लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, लोग स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं, लोग सुसाइड्स तक कमिट कर रहे हैं। द रीजन, क्योंकि कहीं ना कहीं श्री कृष्ण के अंदर जो चंचलता थी, वो चंचलता या उस तरह की चंचलता आज हमारे अंदर नहीं है। चंचलता किसी भी बात को सीरियस ना लेने की, चंचलता अपने आप को हमेशा सही साबित करने से नहीं, चंचलता वो है कि आप जिस भी चीज में रहें सिर्फ वहां रहें और अपने आप को लाइट मूड के साथ रिफ्रेश करते हुए उस चीज को टैकल करें। तो दोस्तों बहुत सारी विशेष श्री कृष्ण जन्माष्टमी की और इंडिपेंडेंस डे की, थैंक्स अ लॉट। आप सब लोगों का बहुत सारा प्यार मुझ तक पहुंच रहा है, आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके शेयर्स यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम्स पर और फेसबुक पर मुझे मिल रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी साइंटिफिक नॉलेज आप इंजॉय कर रहे होंगे इस पेज के थ्रू और रेगुलर जो सोशल मीडिया पे हमारे कनेक्शंस हैं उनके थ्रू। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी या।